हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे NTA UGC नेट दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम एनालाइजेस एंड रिव्यू के बारे में। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। और सबसे पहले बात हम कर लेते हैं जो ये रिव्यूज़ हैं, रिव्यू हमने लिए हैं अपने स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स से, और ख़ुद भी हमने एनालाइज़ किया है पेपर वन को और पेपर टू इकोनॉमिक्स को। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेवल ऑफ़ जो डिफ़िकल्टी था या फिर जो लेवल ऑफ़ इजी या फिर मॉडरेट कैसा था एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के डिटेल्स के बारे में। तो 700 सेंटर्स इस बार दिए गए थे और 219 सिटीज़ में। तो 81 सब्जेक्ट थे एंड टोटल जो स्टूडेंट एनरोल हुआ इस बार, जो दो से 6 दिसंबर तक एग्ज़ाम चले थे UGC नेट के, इसमें 10,34,872 स्टूडेंट एनरोल एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद अगर हम पेपर वन की बात करें डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, तो पेपर वन हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के वाइज। तो क्वेश्चन वर बिटवीन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो इस बार ये वाला थोड़ा जो मेन फैक्टर होने वाला है, लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था पेपर वन का। और अगर हम बात करें लास्ट टाइम के बारे में, लास्ट टाइम से थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लेवल था। तो आपको पता ही होगा अगर डिफ़िकल्ट लेवल ज़्यादा होती है तो कट ऑफ थोड़ी सी लो होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पेपर टू पे भी कि उसका लेवल कैसा था, वो हम डिस्कस करेंगे पेपर टू में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने भी क्वेश्चन थे 8 से 10, वो काफ़ी थोड़े से टिपिकल थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के थे। और रिसर्च एप्टीट्यूड भी यहाँ पे जो लेवल था वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल। तो ये काफ़ी मेन चीज़ है क्योंकि जो पेपर वन है उसका नाम ही यही है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड अगर हम बात करें, ये दो चीज़ें मेजर हैं पेपर वन के लिए। चलिए नेक्स्ट, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये काफ़ी थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। और वहीं कम्युनिकेशन सेक्शन की अगर बात करें, ये काफ़ी छोटा एरिया है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से ही काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन था वो थोड़ा सा क्वाइट ईजी था। और अगर मैथमेटिकल रीजनिंग करें, ये सेक्शन थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। और वहीं अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, सो इट इज़ मॉडरेट। और लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिकल ये न्यू इंट्रोड्यूस किया था, और इसके बारे में डिटेल में आपको निशी सर ने कराया भी था, क्योंकि डिटेल में जो न्यू पोर्शन इसमें ऐड हुआ है वही न्यू चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। ओके, नेक्स्ट वन डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड IT ICT, तो इनमें से ईजी टू मॉडरेट अगर हम कह सकते हैं तो ये थोड़ा सा ईजी था। ओके, अब समझ लेते हैं कि पेपर टू के बारे में कि लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी कैसा था। तो अगर हम पेपर वन का ओवरऑल देखें, पेपर वन ओवरऑल क्या था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। चलिए पेपर टू के बारे में डिस्कस करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पेपर टू के बारे में, तो पेपर टू का जो लेवल था वो था ईजी टू मॉडरेट। तो ईजी टू मॉडरेट कहने का मतलब ये है काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड फॉर्म में आए थे। अब मैं आपको इस पेपर में सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड होने हो रहे थे। तो जस्ट यही हम बात करेंगे, विद इन 1 मिनट ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें ये था पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज़ किए होते तो ये वाला जो जो इकोनोमेट्रिक्स से आता है ये तो हर बार आता ही है, और उसमें जितने भी ये चीज़ें हैं ये सब ऑलरेडी आ चुकी हैं, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो रेंज से बाहर था। सारे जितने भी स्टडी है वो सब रेंज में ही थी, और कोई भी स्टडी बाहर नहीं थी। और जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो एफ टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, यहाँ से स्टडी इसकी करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एनालाइज ऑफ वेरियंस। एनालाइज ऑफ वेरियंस बोला है, वेरियंस एफ टेस्ट वेरियंस रेशियो टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमने अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा एरिया है, काफ़ी छोटा एरिया है, और उसमें से क्वेश्चन तो आते ही हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह ये भी हर बार क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्वेश्चन अगर हम पेपर टू इकोनॉमिक्स की बात करें, बेसिकली आपको जैसा मर्जी लगा हो, लेकिन हमने जो एनालाइज़ किया ये पेपर था ईजी टू मॉडरेट। अब इसकी वजह से जो जो कट ऑफ हो सकती है वो कट ऑफ हो सकती है 1-2, अगर हम बात करें 1-1.5 तक लोअर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जा सकती है कट ऑफ। जितने भी ओवरऑल लास्ट टाइम गई थी उससे 1-1.5% तक लो जा सकती है, क्योंकि पेपर वन का डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा, पेपर वन का जो लेवल था डिफ़िकल्टी लेवल वो थोड़ा हाई था।
बाकी देखते हैं 31 को रिजल्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद जितने भी अपने ऑनलाइन बैचेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 15 जनवरी से। अगर आपने ज्वाइन करना है तो श्योरली ये बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इसमें डिटेल्ड सिलेबस आपको कवर, जितना भी डिटेल सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स से, ये सब रेंज में ही है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।